देखो ये खेल शुरू हुआ। पास करण बैच की तरफ, खालिद हमीद ने पीछे से टैच किया था। ताकि चार्ट तक गेंद ना पहुंचे, कॉर्नर मिला है पाकिस्तान के खिलाफ। चार्ट अच्छी क्लियरेंस कासिम जिया की। खालिद हमीद स्मिथ का थ्रू पास, गेंद काफी तेज थी। डेविड कलीमुल्ला ने गेंद छीन ली है। हसन सरदार, हनीफ, खालिद हमीद को पास दिया है लेकिन कैरिट हो गई खालिद हमीद की। बहुत अच्छा मूवमेंट था पाकिस्तान की तरफ से। गेंद हनीफ के पास, मंजूर जूनियर की तरफ, लेकिन सही तौर पर गेंद को नहीं रोक सके। नईम अख्तर, कॉलिन बैच साथ साथ काफी। हनीफ का थ्रू पास खालिद हमीद की तरफ, खालिद हमीद का क्रॉस, हसन सरदार इंटरसेप्ट की गेंद। शायद पाकिस्तानी परचम उठाए। हसन हास का थ्रू पास, बहुत अच्छा इंटरसेप्ट किया रशीदुल हसन ने। और रशीदुल हसन के पास मंजू जूनियर, हैसल हर साथ साथ थे उनके। इत्मीनान से क्लियरेंस, मंजूर से कलीमुल्ला, कलीमुल्ला के हिट और गोलकीपर ने रोकी। और ये पेनल्टी कॉर्नर पाकिस्तान के हक में। ये एक्शन रिप्ले है। डैन की स्लिप गेंद हवा में उछली थी। ऑस्ट्रेलिया के फुल बैक जिम इरविन को ग्रीन कार्ड दिखाया गया। आसिम जिया हिट लेंगे। अंपायर सिरवतों की वसल Thank you.
बहुत अच्छा सेव किया। हसन थदा ने डाइव भी की। ये एक्शन रिप्ले, ये जासवत, एक और पेनल्टी कॉर्नर, चौथा पेनल्टी कॉर्नर। सही तौर पर गेंद नहीं रुक सकी। मंजूर जूनियर, हसन, फिर मंजूर जूनियर विकेट में दाखिल हुए, यहां से स्कूप करना चाहते हैं और कैरिट हो गई कलीमुल्ला की। यह बहुत अच्छा मौका था पाकिस्तान की टीम के लिए, अच्छा मोमेंट। ये एक्शन रिप्ले, ये मंजूर जूनियर की ट्राई, गोलकीपर ने रोका। पाकिस्तान के मैनेजर, कोच और दूसरे रिजर्व खिलाड़ी। हिट लगी, चार्ल्सवर्थ, रशीदुल हसन का ऑब्स्ट्रक्शन, नहीं वक्त का। हिट सही नहीं लगा सके, क्रॉस हिट लगाई थी चार्ल्सवर्थ। बॉयस चार्ल्सवर्थ, स्मिथ, बॉयस चार्ल्सवर्थ, बॉयस से स्मिथ। पाकिस्तान के हक में हिट इन, नासिर अली की हिट, हसन सरदार, लेकिन ग्रेग वहां मौजूद थे। थ्रू पास, अच्छा, और यह मंजूर जूनियर के हाथ पे टेलीवॉश ने हॉकी बना दी। पाकिस्तान टीम के कप्तान मंजूर जूनियर, दोनों बाज ने खेल रोका हुआ है। पाकिस्तान की टीम को अभी तक एक गोल की बढ़तरी हासिल है। मंजूर जूनियर काफी तकलीफ में मालूम होते हैं। ये एक्शन रिप्ले देखें, हालांकि मंजूर के हाथ में गेंद थी, उसके बावजूद टेरी वॉश ने उनके हाथ पे हॉकी मारी है। टेरी वॉश के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। टाइम आउट है, खेल दोबारा शुरू हुआ। ग्रेग कलीमुल्ला, थ्रू पास, हसन सरदार ने स्लिप लगाई। कलीमुल्ला साथ साथ किंग के, पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक गोल की बढ़तरी हासिल है। ग्रे की हिट, स्मिथ
ऑस्ट्रेलिया के सेंटर हाफ। गेंद कॉलम बैच, अच्छा इंटरसेप्शन, फाउल पाकिस्तान के हाथ में। कलीमुल्ला को रोकने की कोशिश की थी। स्मिथ, हनीफ, केवल स्मिथ साथ साथ है हनीफ के, हनीफ की हिट बीच में, अच्छा अच्छा पास था और बहुत अच्छी डिसेप्शन की। जिम इरविन ने फाउल मिला ऑस्ट्रेलिया की टीम को। किंग का स्कोप, फाउल, अंपायर ने टाइम आउट लिया। खिलाड़ी तब्दील हुआ है, मिटन गए हैं। पैटमोर बाहर गए हैं और उनकी जगह आए हैं मिटन। काफी खतरनाक हमला, बहुत अच्छी क्लियरेंस कासिम जिया की। मंजूर से कलीमुल्ला, कलीमुल्ला का क्रॉस कैरिट हुई किंग की। रशीदुल हसन की हिट, फाउल करा दी गई। Substitution has been made. Going into the game, number 14 is Sheikha Aaron, replacing number 10, Hanif Khan. Acha pass, Madhu Junior ki taraf. Carry Pakistan ka. रशीदुल हसन गेंद लगाना चाहते थे लेकिन इंडिविजुअल खेल जो है नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसमें थ्रू पास, तेज हिट, आज महबूद पहले फाउल, ऑब्स्ट्रक्शन थ्रू पास, नई वक्त साथ नासिर अली साथ साथ हैसल हस्ट, फाउल के हिट। थ्रू पास पहल का हैसल हस्ट की तरफ, लेकिन Thank you.
हसन सरदार रशीद अल हसन थ्रू पास काफी तेज था ये पास रशीद अल हसन को रिस्पेक्ट बाहर जा रहा माइकल आए हैं इनकी जगह थ्रू पास हिट अख्तर पास मंजूर जुड़े के पास बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत पास खालिद हमीद की तरफ और हसन सरदार ने कैश किया एक्शन रिप्ले पूरी आगे फाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान की टीम को मजीद 8 मिनट अपनी जीत को बरकरार पास टेलीवॉच की तरफ और गेंद बाहर गई बहुत ही अच्छा मौका था ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही यकीनी मौका जाया किया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने खेल फिर रुक गया रशीद अल हसन ये एक्शन रिप्ले ये टेलीवॉच और ये कॉलम बैच गोलकीपर भी बीट हो चुके हैं और ये रशीद अल हसन नीचे गए पाकिस्तान को राइट हाफ रशीद अल हसन अच्छा बहुत अच्छी कोशिश थी गोल बचाने पाकिस्तान को अभी तक एक गोल की पत्र बुलाया गया है और स्टाफ है और ये बेंच पर बैठे हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी और ऑफिशियल्स पास पलटाइस ने गेंद पीछे फेंकी डेविड बेल के पास डेविड बेल का स्कूप Thank you.
काफी खतरनाक बापा और कॉलिन बैच की ट्राई बाहर गई। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कॉर्नर लेकिन कॉलिन बैच तो अच्छे मौके में रखते हैं। बाल परिवाश और गेंद को कासिम जिया ने क्लियर किया लेकिन 25 के अंदर गेंद फिर हो गई है। परिवाश हसन सरदार गेंद से छीनी लेकिन फाउल हुआ था। 5 मिनट रह गए हैं खेल के खत्म होने में। नईम अख्तर मंजूर जूनियर करने की कोशिश खेल के रफ्तार को कम किया गया। चार्सवर्थ चार्सवर्थ का थ्रू पास और कासिम जिया की उम्दा क्लियरेंस। कलीमुल्ला का पास सही पास नहीं है स्लो हो गई गेंद। खालिद हमीद को देना चाहते थे पास हिटिंग पाकिस्तान के हक में 4 मिनट बाकी। फाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान की टीम को मजीद 4 मिनट तक की बर्तरी को कायम रखना होगा। बीट हुए लेकिन इश्तियाक पीछे से क्लियर किया फाउल हो गया था। कॉर्नर ऑस्ट्रेलिया के हक में फाउल 3 मिनट। गेंद फिर रुकी बीच में फाउल मिला पाकिस्तान। फाउल क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी ने वक्त जाया करने की कोशिश की थी। डेविड बैल कलीमुल्ला फाउल 2 मिनट खेल के खत्म होने में। काफी खतरनाक हो सकता है कैरिट हुई चार्सवर्थ और ये पेनल्टी कॉर्नर।
छठा पेनल्टी कॉर्नर है जो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को मिला है। अच्छा रोका और ये ऑब्स्ट्रक्शन बहुत खूबसूरती से गोलकीपर मुइन आए थे। एक मिनट बाकी है, पाकिस्तान की टीम को एक मिनट और गुजारना है। तेरह सेकेंड पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने के लिए, 9 सेकेंड, 8 सेकेंड और ये हिट। और इसके साथ साथ खेल खत्म हो गया है। पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में एक गोल से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान का वाहिद और फैसला कुन गोल खेल के पहले हाफ में हसन सरदार ने किया था। ये पाकिस्तानी खिलाड़ी, पाकिस्तान की टीम, ये जकाउद्दीन और ये ऑस्ट्रेलिया के कप्तान चार्ल्स वर्थ। पाकिस्तान ने आखिरकार ऑस्ट्रेलिया से अपनी मुसलसल शिकस्तों का बदला ले लिया है।